हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका IAS PSC सॉल्यूशन में। मैं हूं अभिमन्यु। देखिए, आज है 23 अगस्त और आज का करंट अफेयर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। और कुछ दिनों से मैं करंट अफेयर आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था। और मैं आप लोगों के लिए BPSC का पहले ही बता चुका हूँ, स्पेशल सीरीज बना रहा हूँ, तो इसमें भी मैं व्यस्त था। ओके, बाकी जो भी करंट अफेयर हमारा छूटा हुआ है उसको मैं कवर कर लूँगा आगे चलकर। ओके, तो आज है 23 अगस्त, आज का करंट अफेयर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज से ही हमारा 64वीं BPSC के लिए स्पेशल क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग भी BPSC का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या नहीं किए हैं, तो अभी भी डेट है, आपके पास समय है, वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। और बिल्कुल स्टार्टिंग से, शुरू से हम लोग और पूरी डिटेल्स में चर्चा करते चलेंगे। और आज से शुरू करेंगे हम लोग हिस्ट्री को। ओके, हिस्ट्री को लेकर चलेंगे क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। और एक और जरूरी अनाउंसमेंट जो है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मुझे जो है वो कुछ टीचर्स की आवश्यकता है, कुछ फैकल्टी की आवश्यकता है। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं या आपके जानकारी में कोई हैं जो बेहतर तैयारी करवा सकते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं कोई लोग। और देखिए, इसमें फीमेल लोग जो भी हैं, फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं, उनको ज़्यादा जो है वरीयता दी जाएगी टीचिंग के लिए। चाहे रेलवे के की तैयारी आप करवाना चाहते हो, बिहार SSC की, SSC की, BPSC की, UPPCS की, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करवाना चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए मैं आपको व्हाट्सएप नंबर जो है अपना दे रहा हूँ, 7 9, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, 0 3 5 3 5 4 0 5, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। शुरू करने से पहले, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, देखिए पहला प्रश्न है आज का, जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है वो 7 राज्यों में नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। अब देखिए, प्रश्न जो है वो किसी भी स्टेट से पूछा जा सकता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर से ही नहीं पूछा जा सकता है। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सातों जो स्टेट हैं उसमें कौन कौन से लोग गवर्नर बने हैं और किनके स्थान पे जो है वो बने हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, तो जम्मू कश्मीर का नया राज्यपाल जो है वो सत्यपाल मलिक को जो है वो बनाया गया है। अब देखिए, सत्यपाल मलिक जो है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हैं और ये थे AN बोहरा के स्थान पर बने हैं। ओके, AN बोहरा जो है वो जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल थे। ओके, इसके पूर्व जो है वो राज्यपाल थे। इसके बाद तथागत राय जो है वो मेघालय के बने हैं, गंगा प्रसाद के स्थान पे ये बने हैं। लालजी टंडन जो है ये बिहार के बने हैं। तो अभी BPSC और बिहार SSC इसका एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ से जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और बिहार SSC इंटर लेवल का एग्जाम जो है वो सितंबर लास्ट में होने वाला है, तो ये सब जो है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद गंगा प्रसाद जो है वो बने हैं सिक्किम के राज्यपाल श्रीनिवास पाटिल के स्थान पर, और कप्तान सिंह सोलंकी ये त्रिपुरा के राज्यपाल बने हैं तथागत राय के स्थान पर, और सत्यदेव नारायण आर्या ये बने हैं हरियाणा के कप्तान सिंह सोलंकी के स्थान पर। ओके, इसके बाद बेबी रानी मौर्या ये उत्तराखंड की बनी है के पॉल के स्थान पर। तो किसके स्थान पे कौन जो है वो राज्यपाल बने हैं और उसके पूर्व कौन थे वहां के राज्यपाल, ये पूछा जा सकता है, तो आप इस डेटा को याद रखेंगे। ओके, इसके बाद है छत्तीसगढ़ के किस स्थान को अटल नगर के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, वहाँ पे BJP की सरकार है, और अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है, तो इनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने एक जगह को अटल नगर के रूप में नामित करने का फैसला जो है वो लिया है, घोषणा किया है। इस जगह का नाम है नया रायपुर। ओके, नया रायपुर, ये नया रायपुर जो है वो प्रशासनिक राजधानी होगी छत्तीसगढ़ की। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि के रूप में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने नया रायपुर को अटल नगर के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रमन सिंह ने यह घोषणा किया है, तो आप याद रखेंगे। इसके बाद और भी जगह है जिसको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे जो है उस जगह का नाम जो है वो रखा गया है। जैसे बिलासपुर विश्वविद्यालय जो है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसको अब अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो है इसको रखा गया है बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम। ओके, नैरो गेज लाइन जो है इसको अटल पथ जो है वो कर दिया गया है। इसके बाद कलेक्ट्रेट के पास जो सेंट्रल पार्क है इसको अटल पार्क के रूप में जो है वो नामित किया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि रमन सिंह की सरकार ने कितनी बड़ी जो है वो फैसला लिया है इन्होंने, कि बहुत ही जगहों को इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो है उस जगह का नाम जो है वो चेंज कर दिया है। ओके, नया रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की प्रस्तावित प्रशासनिक राजधानी है और यहाँ की जो मुख्यमंत्री सॉरी राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान गवर्नर हैं। तो देखिए, अभी एएलपी का एग्जाम चल रहा था, वहाँ पे गवर्नर से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, और देश की क्या राजधानी है, किस देश की और मुद्रा क्या है, इससे प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा था। मतलब स्टैटिक जीके से काफी प्रश्न जो है वो पूछा जा रहा था। तो ये जो है आप लोग मिस नहीं करेंगे, इसको भी साथ ही साथ देखते चलेंगे। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना, देखिएगा यहाँ पे भारतीय वायुसेना है और रॉयल मलेशियाई वायु फोर्स है, इसका पहला संयुक्त वायु अभ्यास जो है वो कहाँ शुरू हुआ है, ये हुआ है मलेशिया में। ओके, मलेशिया में, देखिए भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायु फोर्स का पहला संयुक्त वायु अभ्यास मलेशिया के सुबंग एयरबेस, आप याद रखेंगे इस जगह का नाम है सुबंग एयरबेस, यहाँ पे शुरू हुआ है। ओके, और इसका मेन उद्देश्य जो क्या है, यह है दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य संबंधों को मजबूत बनाना। देखिए, यहाँ से भी एएलपी में प्रश्न पूछा गया था मलेशिया की राजधानी क्या है, और शायद पहले दिन ही यह पूछा गया था। तो मलेशिया की राजधानी जो है वह है कुआलालंपुर। अब मुद्रा क्या है, मुद्रा है मलेशियन रिगित और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के महाथिर मोहम्मद। ठीक है, अभी हाल ही में ये प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, फोर्ब्स ने सर्वाधिक भुगतान वाली महिला एथलीटों की सूची जारी की, इसमें पीवी सिंधु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, फोर्ब्स जो है वो अमेरिकी पत्रिका है, इसने सर्वाधिक भुगतान वाली महिला एथलीट जो होती हैं उनकी सूची जो है वो जारी की है। इसमें अगर भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें तो पीवी सिंधु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो पीवी सिंधु को इसमें सातवां स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, सेरेना विलियम्स। ठीक है, सेरेना विलियम्स है 18.1 मिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर। ओके, इसके बाद डेन कैरोलिन बेजियास्की, ये 13 मिलियन डॉलर के साथ ये दूसरे स्थान पे हैं, और तीसरे स्थान पे है स्लोएन स्टीफेंस 11.2 मिलियन डॉलर के साथ। ओके, और सातवें स्थान पर है पीवी सिंधु 8.5 मिलियन डॉलर के कमाई के साथ। ओके, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ से मिलान करने के लिए भी दे सकता है, या यहाँ पे तीनों ऑप्शन दे सकता है, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है, ऐसे करके भी प्रश्न दे सकता है। तो सेरेना विलियम्स जो है वो प्रथम स्थान पे है, ये आपको याद रखना है, और भारत के संदर्भ में पीवी सिंधु जो है वो सातवें स्थान पर है। इसके बाद है 281 एंड बेओन, 281 एंड बेओन किसकी आत्मकथा है। देखिए, ये एक क्रिकेटर है वीवीएस लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण की ये आत्मकथा है 281 एंड बेओन। ओके, देखिए, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक जब ईडन गार्डन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हैदराबाद स्टाइलिश द्वारा ये खेल खेला गया था, तो उसी में 281 रनों की शानदार सीरीज टर्निंग पारी से जो है ये बुक जो है वो लिखा गया है। तो ये जो बुक है 281 एंड बियॉन्ड, ये बीबीएस लक्ष्मण की बुक है। तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा इस तरह से पूछा जाता है कि पुस्तक कौन है, उसके लेखक कौन है। और एक चीज और याद रखिएगा कि खिलाड़ी से और जो राजनेता है उनके बुक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एशियाई खेलों में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला भारतीय शूटर कौन बनी है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इनका नाम है राही सरनोबत। ठीक है, राही सरनोबत, देखिए शूटर राही सरनोबत ने इंडोनेशिया में, ये जगह का नाम भी आप याद रखेंगे, इंडोनेशिया के बारे में अभी जस्ट मैंने आपसे चर्चा की, इसकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, प्रधानमंत्री
कौन है। इंडोनेशिया में एशियाई खेल 2018 में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा जो है इन्होंने जीता है, राही सरनोत ने, ठीक है, सरनोबत ने। वह एशियाई खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी है। एशियाई खेल 2018 के लिए मेजबान शहर इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेम बैग है, तो ये दोनों जगह का नाम भी आप याद रखेंगे। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है, भीन भीन काका और अतंग, ठीक है, ये है इसका शुभंकर। ओके, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, शुभंकर से भी प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर, और मैंने आपको अपना नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया है आज, तो यदि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ाने के लिए हमारे चैनल पे, या कोई आपके नज़र में वैसे हैं, आपके आस पड़ोस में हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें फीमेल कैंडिडेट को जो है वो ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।